गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बिजनेस स्टडीज क्लास में इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए आज से हम देखेंगे निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग के बाद का जो काम है वो होता है डायरेक्टिंग। देखिए, स्टाफिंग हो गई, स्टाफिंग के बाद सभी इम्प्लॉयज को बता दिया गया कि आपका काम क्या है, ठीक है, आपके बॉस कौन है, आपको किससे काम, किसका ऑर्डर मानना है या आपको किससे काम करने का डायरेक्शन मिलेगा, ये सब हम बता देते हैं किसमें, स्टाफिंग में। तो ये आशा की जाती है एम्प्लॉय से कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स की उचित मार्गदर्शन करेगा, साथ ही साथ अपने सीनियर, अपने बॉस से जो भी डायरेक्शन लेना है वो देगा, यानी वो अपने बॉस की बात मानेगा। तो ध्यान दीजिए, एक जो डायरेक्शन होता है वो बॉस देता है किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को। जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये देता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपने सबऑर्डिनेट्स से काम कराना, टू वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है, निर्देशन का मतलब होता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम कराना। अब काम कराने का ये मतलब नहीं कि एकदम घंटा चला दो, काम कराने का मतलब है कि उनको इस हिसाब से आप लीडरशिप दो, उनको इस हिसाब से मोटिवेट करो कि वो काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो, वो खुद ही से काम करना शुरू करें, ठीक है, ठीक है। तो निर्देशन का बेसिकली मतलब होता है अधीनस्थों से काम कराना, टू वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। इसको दो वे में डिफाइन किया जा सकता है, टू वे। एक तो नैरो सेंस है, एक गॉड सेंस है, ठीक है। एक आपका नैरो सेंस है, एक आपका क्या है, ब्रॉड सेंस। नैरो सेंस में क्या होता है, देखिए ध्यान से, नैरो सेंस में क्या होता है कि इंप्लॉय को यह बताना कि क्या उनको करना है और उसको साथ ही साथ उसको वॉच करना, उसको समय समय पे उसको वॉच करना, उस पर नजर रखना कि उन्होंने वो काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो नैरो सेंस में, मतलब नैरो सेंस में ये होता है कि इम्प्लॉय से काम कराना है और उनके काम पे नजर रखना है। ब्रॉड सेंस में क्या होता है, ब्रॉड सेंस में केवल काम ही नहीं कराना है बल्कि ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है कि इम्प्लॉय खुद से ही काम करने लगे, खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड हो। यानी आपको एम्प्लॉय को ये बताना है कि तुम्हें क्या काम करना है, ठीक है, उसके बाद आपको एम्प्लॉय के काम पे नज़र भी रखनी है, उसके बाद आपको उसे मोटिवेट भी करना है, साथ ही साथ उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। ये सब चीज आती है आपके ब्रॉड सेंस में। तो यानी निर्देशन का वही मतलब होता है कि अधीनस्थों से काम करा, लेकिन काम कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनको जबरदस्ती एकदम कोचे रहो उनको कि नहीं काम करो, नहीं करोगे निकाल देंगे, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सैलरी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सेकंड चीज, उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट दो, ठीक है, उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट दो कि वो सेल्फ डेडिकेटेड हो गए, आपकी संस्था को अपनी संस्था मान के काम करें। और यकीन मानिए, जब आप दूसरा वे अपनाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आइए अब हम कुछ इंटेलेक्चुअल्स की डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है कुंच एवं ओडोनेल। कुंच एंड ओडोनेल, कुंच एंड ओ डोनेल, ये क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, कुंच और ओडोनेल क्या कहते हैं? द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स इज डायरेक्शन। अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य कहलाता है, ठीक है। निर्देशन क्या होता है? जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करना और
उनको ऑब्जर्व करना, ये दोनों काम आते हैं आपके निर्देशन। ओके, आगे देखिए, एक और है इंटेलेक्चुअल, उनका नाम है अर्नेस्ट गेल। ठीक है, उनका नाम है अर्नेस्ट गेल। इन्होंने क्या कहा है, अर्नेस्ट गेल ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। लोगों को बताना कि वे क्या करें और यह देखना कि उसे अपनी पूरी योग्यता के अनुसार करते हैं, यह निर्देशन है। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी लोगों को यह बताना कि उनको करना क्या है और फिर यह देखना कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको करें। यह होता है आपका डायरेक्शन। किसने बोला था, अर्नेस्ट ओडवर। ठीक है, तो एक ये दोनों लोग का इंटेलेक्चुअल का डेफिनेशन था, आपने देखा। इट मींस आपने यही समझा होगा कि अपने सबऑर्डिनेट्स से, तो आपने यही जाना कि अपने सबऑर्डिनेट्स से इस तरीके से काम करना जिससे उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट किया जा सके, वो निर्देशन होता है। यानी निर्देशन में सबसे पहले सबऑर्डिनेट्स को ये बताना कि उनको क्या काम करना है, फिर उनके काम को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद ये देखना कि वो बेस्ट तरीके से अपना दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, यही आपका डायरेक्टिंग में आता है। अब आइए हम इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। ठीक है, कि डायरेक्टिंग की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो अब देखिए, नेचर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन का प्रकृति, लक्षण और विशेषताएं क्या है। तो पहला है गतिशीलता प्रदान करना, इनिशिएट एक्शन। ठीक है, तो देखिए निर्देशन जो है वो काम करने का एक बेस बनाता है। ठीक है, एक बेस बनाता है कि काम कैसे होगा, वो कामों को गतिशीलता लाता है। जैसे एक जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है कि जाओ ये काम करो, जिससे काम करने में एक गतिशीलता आती है और काम करने के लिए निर्देशन देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक बेस तैयार करता है काम करने का और काम को डायनामिक मोड में लाता है। देखो डायरेक्टिंग जो है वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोई भी मैनेजमेंट का लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर जगह आपको डायरेक्टिंग की आवश्यकता होगी। टॉप लेवल अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे, यानी मैनेजमेंट के प्रत्येक स्तर पे डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्टिंग करेगा। एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है डायरेक्टिंग, ये नहीं कि एक बार आप कह लो कि देखो तुम्हारा ये काम है और ऐसे करना है और चुप हो जाओ, ना। आपको वॉच भी करना होता है, आपको ऑब्जर्वेशन भी रखना होता है कि मैंने जो काम कहा है वो सही से हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये चीज आपको देखना होगा। ठीक, अच्छा, डायरेक्टिंग जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आना है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर आपको देंगे डायरेक्शन, ना कि आप अपने टीचर को देंगे डायरेक्शन, प्रिंसिपल टीचर को देते हैं, टीचर बच्चों को देते हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ओके, एक ऑफिस में भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो लो मतलब मीडियम लेवल को देता होगा, मीडियम वाला नीचे वाले को देता होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर इसका फ्लो होता है। देखिए फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, प्रगति अभिमुख, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। गारंटी किसी ने दिया जाता है कि बस काम हो जाए, काम को करना। देखो डायरेक्टिंग की सफलता तभी है जब काम सही से हो जाए। ठीक है, काम का परफॉर्मेंस सही से हो जाए। तो डायरेक्टिंग जो है वो क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कायदे से हो, और डायरेक्टिंग तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब आपका काम कायदे से हो। तो ये प्रगति अभिमुख यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए किया जाता है। मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट, ये देखिए आप किसको डायरेक्शन देते हो, आप मनुष्यों को ही देते हो,
जो ह्यूमंस आपके यहाँ काम करते हैं आप उनको देते हो, तो डायरेक्शन में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी की जाती है, उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं ये किया जाता है, कौन सी ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारे लिए अच्छी है, कौन सी ह्यूमन बिहेवियर हमारे संस्था के लिए सही रहेगी, ये सब चीज़ें एक डायरेक्टिव में देखा जाता है। डायरेक्शन देने वाले पर्सन को ये चीज़ पता होना चाहिए कैसे अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना चाहिए। देखिए कई लोग कई तरह के होते हैं, कुछ लोग बात से समझ जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनको मोटिवेट करना होता है, तो आपको दूसरे तरीके से और पहले तरीके से दोनों से करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस स्टडी क्लास थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इनकेस ना समझ में आया हो तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपने कुछ चीज़ें आप लिखा कीजिए जो आपको पूछना हो, ठीक है। गुड बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।